अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज मेरे बच्चों का रिजल्ट आया था और माशाल्लाह दोनों के ए ग्रेड्स आए हैं, तो हमने उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए पिकनिक प्लान की है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और वहां पे मैंने चिकन बॉयल करने के लिए रखा है, क्योंकि मैं चिकन सैंडविच बना रही हूँ और साथ में बनाऊंगी कपकेक्स। तो और ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि जिनके कपकेक्स अच्छे नहीं भी बनते ना, उनके भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें मैदा चाहिए 1.5 कप। तो ये 1 कप मैदा मैंने लिया है और अब मैं इसमें हाफ डालूंगी। इसमें से मैंने 3 चम्मच मैदा निकाला था और 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च के इसके अंदर ऐड कर दिया है। कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो भी आप ले लें। तो ये दोबारा से हाफ कप हो गया है और अब मैं इसको इसके अंदर ऐड करके इसको छान लूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल 1 चुटकी नमक भी ऐड कर दूंगी। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम 2 से 3 बार छानेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। हल्का सा मैंने इसे बीट किया और अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। आपने इसके लिए 1 कप शुगर लेनी है और मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ये वाले केक्स बना लेती हूँ और मीठा मैं उनको कम देती हूँ। तो मैं इसके अंदर से 2 टेबलस्पून शुगर निकाल लूंगी वापस। एग्स में शुगर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से बीट करना है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी 1/2 कप। लेकिन ऑयल कहाँ गया, मैंने यही रखा था, अभी लगता है अली लेके चला गया है। मैंने ऑयल डाल के रखा था कप में, तो अली आया अभी और लेके चला गया, शुक्र है गिरा नहीं, तो मैं अभी वापस लेके आई हूँ उसे। अच्छा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो गया और ये मैं प्लेट रख लेती हूँ बीट करते हुए, ताकि कपड़ों पे ना आए छींटे इसके। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने केक फ्लोर ऐड किया था इसको ऐड कर देंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके साथ इसमें 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, ये भी रूम टेम्परेचर पे लेना है। और ये भी थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी ताकि ये इजीली मिक्स हो जाए। अच्छा जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसके अंदर ये वनीला एसेंस ऐड करूंगी, सिर्फ 1/2 टीस्पून। ये देखें, ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। अच्छा जी, कपकेक्स का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और ओवन को भी मैंने प्रीहीट कर लिया था। और मेरे पास जो कपकेक्स के लिए वो जो बेकिंग कप्स होते हैं ना, वो खत्म हुए हुए थे, तो मैंने जो बटर पेपर होता है उसको राउंड्स में इस तरह से कट कर लिया है और जो कपकेक्स की ट्रे है उसको मैंने ग्रीस कर लिया। तो इसके अंदर मैं ये रख के बटर पेपर और सारा बैटर जो है वो अंदर डाल दूंगी। अच्छा, वैसे तो मैंने पूरी रेसिपी कपकेक्स की आपको दे दी है, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए रेसिपी तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इंस्टा पे पूरी रेसिपी डिटेल में डाल दी है। अच्छा जी, कपकेक्स मैंने बेक करने के लिए रख दी है ओवन में और चिकन भी मेरा बॉयल होने वाला है। ये कपकेक्स आप ओवन में भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप देगची में भी बना सकते हैं, बहुत मजे के बनेंगे। और अब मैं बाकी सारी चीजें रेडी करती हूँ पिकनिक के लिए। अच्छा जी, ये आइस कूलर है, इसके अंदर मैं सारी आइस रखूंगी और जो भी हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ लेके जानी है वो रख लूंगी, क्योंकि गर्मी का वेदर है तो कोल्ड ड्रिंक्स होना बहुत जरूरी है साथ। सारी ड्रिंक्स मैंने इसके अंदर रख दी हैं और ठंडी थी लेकिन आइस रखी है तो ये ठंडी रहेंगी वहां पे भी जाने तक। अच्छा जी, अभी कपकेक्स बेक हो रहे हैं तो मैं जाके बच्चों को रेडी कर लेती हूँ और जब रेडी हो जाएंगे कपकेक्स तो मैं खुद भी रेडी हो जाऊंगी। कपकेक्स को चेक कर लेती हूँ, ये इस पे देखें हल्का हल्का सा कलर आ रहा है। लंच किट में मैं सारे सैंडविच रख लूंगी, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और बहुत अच्छी है, इसमें बहुत देर तक खाना वगैरह जो है ना बिल्कुल ठीक रह जाता है। और इस बॉक्स के अंदर मैं कपकेक्स रख लूंगी, तो हर चीज रेडी है और चिकन भी बॉईल हो चुका है, अभी जब तक ठंडा होता है मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट कलर आया। ये देखें, जो बटर पेपर मैंने इसके नीचे लगाया था आराम से ये उतर गया है और अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफी मजे के बने हैं, और गरम गरम खाने का ना मजा ही और होता है। अच्छा जी, बच्चों को मैंने पहले रेडी कर लिया था और मैं ख़ुद भी रेडी होके आ गई हूँ। तो जो मैंने चिकन बॉईल करके रखा था वो अब मैं श्रेडेड कर रही हूँ, और जो उसकी यखनी थी थोड़ी सी उसके अंदर मैं थोड़ा सा बटर डाल के उसको मेल्ट कर लूँगी, और इसके अंदर सारा चिकन डाल के इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालूँगी थोड़ी सी, और मायोनीज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये इतनी मज़े की स्प्रेड बन जाएगी, आप इसे बर्गर या ब्रेड पर लगा के सैंडविचेस बना सकते हैं, और इसे 4 to 5 days आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। मैं बच्चों को स्कूल के लिए भी लंच बॉक्स में साथ कभी ये दे देती थी तो वो शौक से खा लेते थे। हम मोस्टली हनी वीट ब्रेड यूज़ करते हैं, और इसके साइड्स भी इतनी सॉफ्ट हैं, हम लोग इसको ऐसे ही खा लेते हैं, इसलिए मैं साइड इसकी कट नहीं करी। अगर आप गेस्ट वगैरह को सर्व कर रहे हैं या स्पेशल अपने लिए घर पर बना रहे हैं तो इसके अंदर स्क्रैम्बल एग भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का लगता है। और साथ में रशियन सैलड बना लें तो ये कम्प्लीट हेल्थी फूड बन जाता है। और रशियन सैलड की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मेरे चैनल में कुकिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। अभी मैं क्योंकि पिकनिक के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर स्क्रैम्बल एग ऐड नहीं किए हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके साथ मैं फ्रूट सैलड बना लूँगी जल्दी से, तो मैं एप्पल और बनाना कट कर रही हूँ, इसके अंदर मैं रेडीमेड जो व्हिप क्रीम मिलती है वो ऐड करूँगी और मिक्स करके इसे कप्स में डाल लूँगी, क्योंकि बच्चे इस तरह से बहुत शौक से खा लेते हैं, और इस तरह की चीज़ें पिकनिक में अच्छी लगती हैं और ख़राब भी नहीं होती, इनका टेस्ट भी चेंज नहीं होता। तो ये फ्रूट सैलड मैं आइस कूलर में रख लूँगी ताकि ये फ्रेश रहे, और जो सैंडविचेस हैं वो मैं आपको जो मैंने किट दिखाई थी शुरू में उसके अंदर रख लूँगी। सुबह से वेदर बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्यों अचानक बारिश शुरू हो गई थी, तो बच्चों का भी मूड ऑफ हो गया था कि शायद पिकनिक कैंसिल हो गई, लेकिन शुक्र है कि स्टॉप हो गई। हालांकि हमने वेदर चेक किया था तो तब शो नहीं हो रही थी, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाती है अचानक। अभी हर चीज़ रेडी हो गई है और सारा सामान अब गाड़ी में रख रहे हैं, और मैं जल्दी से टचअप कर लूँगी क्योंकि किचन में थोड़ा सा भी काम कर लो ना जाके तो हुलिया टाइट हो जाता है। Okay, let's cook up. You ready? Yes. Let's go. Yeah, let's go. कपकेक्स मैं रखना ही भूल गई थी, होता है ना जल्दी जल्दी कोई ना कोई चीज़ आप भूल ही जाते हैं, तो शुक्र है याद आ गया तो मैं जल्दी से लेके अब जा रही हूँ। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लेक साइड जाएंगे क्योंकि ये हमारे घर से इतना दूर भी नहीं है, 20 minutes की ड्राइव पे ही है ऑलमोस्ट, और ये इतनी अच्छी जगह है ना, यहाँ जब भी हम आते हैं बहुत अच्छा फील होता है, तो हम अक्सर यहाँ पे आते हैं और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त सा पार्क भी बना हुआ है, अंदर राइड्स वगैरह हैं, लेकिन क्योंकि अभी वायरस का इशू चल रहा है तो उन्होंने वो एरिया क्लोज़ किया हुआ है। जब से लॉकडाउन हुआ था हम बच्चों को किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं लेके गए थे, तो आज पहली दफ़ा वो आए हैं इतने दिनों के बाद, तो बहुत एक्साइटेड हैं। वेदर है, लोग भी यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो एरिया फिशिंग के लिए है तो लोग फिशिंग करें यहाँ पे और बहुत इंजॉय करें बच्चे भी, तो देखते हैं हमारी पिकनिक आज कैसे रहती है। अमान देखे वहाँ पे फिश है, यूजुअली यहाँ पे इतनी फिश होती नहीं है लेकिन आजकल क्योंकि लोग कम आते हैं ना यहाँ पे फिशिंग के लिए इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और ये बोट्स लोगों की प्राइवेट हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से लाते हैं और अटैच करके अपनी गाड़ी के साथ लेके जाते हैं वापस। आई होप
होप कि आपने भी आज हमारे साथ पिकनिक एंजॉय की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी अच्छी वीडियोस देख सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।